एक बार आपका स्वागत है। आर्थिक मोर्चे पर वोज निराशाजनक खबरों के बीच एक अच्छी खबर है। अगर आप सैर सपाटे करने या अपने सगे संबंधियों से मिलने किसी और शहर को जाना चाहते हैं तो आपको सस्ती हवाई टिकट मिल सकती है। रुपए की गिरती हैसियत, बढ़ती महंगाई और आम आदमी के रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों के बीच आप सस्ते हवाई किराए का मजा ले सकते हैं। पिछले दो साल में घरेलू सेक्टर पर हवाई किराए इतने सस्ते कभी नहीं थे। एक तो लो सीजन, ऊपर से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के चलते यात्रियों की तादाद घट रही है, लिहाजा एयरलाइंस के पास किराया सस्ता रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। एयर एशिया को आने में एकदम परेशानी आएगी क्योंकि उनको एक लो फेयर और अनवायबल फेयर्स और अपने डेस्टिनेशन से जूझना पड़ेगा, पर ओवरऑल ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि जितने फेयर कम होते हैं उसके लिए उनको उतनी यात्रा की सुविधा होती है, वो ज्यादा यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल अगस्त की तुलना में हवाई किराए 30-40% तक सस्ते हैं। अगस्त 2012 में दिल्ली से मुंबई का हवाई किराया 5500 रुपए था, जो फिलहाल 3600 रुपए के आसपास है। दिल्ली से बेंगलोर का किराया एक साल पहले 6500 रुपए के आसपास था, जो फिलहाल 4500 रुपए है। मुंबई से हैदराबाद का किराया 4000 रुपए के आसपास था, जो अभी करीब 2800 रुपए है। दिल्ली से गुवाहाटी का हवाई किराया 6000 रुपए था, जो फिलहाल 4000 रुपए के आसपास है। बजाय खाली उड़ाने के वो जिस भी भाव पे पैसेंजर मिल जाता है वो लेके एक फेयर वॉर शुरू हो गई है। तो इस फेयर वॉर का कारण मेनली ये है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है और इस वजह से ये फेयर लो है। वैसे तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, इसके बावजूद एयरलाइंस को लगता है कि न तो यात्रियों की तादाद बढ़ेगी और न ही हवाई किराए में बढ़ोतरी की गुंजाइश बनेगी। यही वजह है कि फेस्टिव महीनों के लिए भी किराए पहले से सस्ते मिल रहे हैं। अखिलेश, सौरभ झा, जी मीडिया, दिल्ली।